14 जुलाई 2023 2:35 पे सक्सेसफुली मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। इसरो ने अपने तीसरा लूनार मिशन चंद्रयान 3 LV-M3-M4 रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। 615 करोड़ के बजट में बनके रेडी हुआ ये और कल इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो हर हिंदुस्तानियों के लिए। लेकिन क्या सच में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की जरूरत थी? क्या LV-M3 रॉकेट चंद्रयान 2 से अलग है? ये मिशन इंडिया के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और आखिर चंद्रयान से हमारा क्या बेनिफिट होगा? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द हिस्टोरिक वर्ल्ड में। मैं हूं आपकी होस्ट सैमी और आज के वीडियो में हम चंद्रयान 3 से रिलेटेड चीजों पे बात करेंगे, तो वीडियो को एंजॉय करिएगा और हाँ, याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। चंद्रयान 3 को समझने से पहले हमें फ्लैशबैक में जाके देखना पड़ेगा जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 LV-M3 रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। स्पेसक्राफ्ट को लूनार ऑर्बिट में इंस्टॉल किया गया 20 अगस्त 2019 को। पर 6 सितंबर 2019 को लैंडिंग के वक्त लैंडर, जिसका नाम विक्रम रखा गया था, लास्ट मोमेंट पे उसका कनेक्शन टूट गया था साइंटिस्टों के साथ, जिसकी वजह से मिशन सिर्फ 98% सक्सेसफुल हुआ था। अब चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप मिशन है चंद्रयान 3। इस मिशन में पहले वाली गलतियां ना हो इस चीज का ध्यान रखा गया है और इसरो के साइंटिस्टों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी है इस मिशन से। पर आखिर लूनार मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? वेल, देखा जाए तो आज तक चांद का सिर्फ वो हिस्सा एक्सप्लोर किया गया है जो हमें एक्चुअल में दिखता है, जिसे बहुत से देश ऑलरेडी कर चुके हैं। इसरो के लूनार मिशन में चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना उनका मेन टारगेट है, मतलब वो हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट थिंग इज, इस मिशन से इंडिया को क्या बेनिफिट होगा? पहला कि इस मिशन के सक्सेसफुल होने से भारत फोर्थ कंट्री बन जाएगी US, चाइना और सोवियत यूनियन के बाद, जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। दूसरा कि साइंटिस्ट ऑन साइट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे लूनार सरफेस पे। तीसरा कि साइंटिस्टों के हिसाब से एक बड़ा क्रेटर स्पॉट किया गया है चांद पे, जिससे बहुत सारे क्लू मिल सकते हैं किसी और सोलर सिस्टम के एग्जिस्टेंस का। चलिए देखते हैं कि चंद्रयान 3 किस वे में अलग है चंद्रयान 2 से। वेल, सितंबर 2019 के फेलियर के बाद इसरो ने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं ताकि सेम गलती फिर से ना हो, जैसे कि लैंडर विक्रम के लेग्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि ज्यादा वेलोसिटी में भी वो स्ट्रॉन्गली खड़ा रह सके। वेलोसिटी टॉलरेंस लेवल को बढ़ा दिया गया है, इवन वेलोसिटी और सोलर पैनल में चेंजेस ट्रैक करने के लिए भी सेंसर्स लगाए गए हैं। एडिशनल चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि ज्यादा फ्यूल्स, एक्स्ट्रा सेंसर, सेंट्रल इंजन एंड सॉफ्टवेयर, सोलर पैनल्स और एंटीनास। इतने सारे चेंजेस के बाद ही चंद्रयान 3 को मिशन के लिए भेजा गया। इसरो के वैज्ञानिकों की काफी उम्मीद जुड़ी है इस मिशन के साथ। इसके सक्सेसफुल होते ही स्पेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत इतिहास बनाएगा। ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ अगस्त चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनार ऑर्बिट में एंटर कर देगा। एज एन इंडियन हम एक पॉजिटिव होप रख सकते हैं इस मिशन के साथ, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए नई चीजें ऐड हो सीखने के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।